हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश में बात करने वाला हूँ सी एफ मोटो एसआर 450 के बारे में, जो कि ऑफिशियली जो है वनवील हो गई है। एंड मैं बात करने वाला हूँ जो सी एफ मोटो की एसआर 450 है फ्रेंड्स, इसके अंदर में किस तरह की स्टाइलिंग, फ्यूचर स्पेसिफिकेशन, इंजन ऑप्शन एंड और भी हमें किस तरह की डिटेल्स देखने को मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड अगर मैं इसके इंडियन राइवल के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड इंडिया के अंदर में KTM के RC390 एंड यामा की R3 के साथ ही जो है राइवल होने वाली है। एंड अगर मैं इसके स्टाइलिंग के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड जो बाइक है फ्रेंड ये हमें जो SR 450 है उसी की स्टाइलिंग के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड जो सी एफ मोटो की SR C21 कॉन्सेप्ट देखने को मिलता था उसी की इंस्पिरेशन के साथ जो बाइक हमें देखने को मिलेगी। एंड फ्रेंड इसके अंदर हमें एग्रेसिव डिज़ाइन के साथ हमें स्लीक फ्रंट एंड इसके अंदर LED DL के साथ हमें हेडलैम्प सेटअप भी जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड अगर मैं इसके अदर फीचर्स के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड इसके अंदर हमें एरो विंगलेट्स जो कि हमें फेयरिंग के साथ हमें फर्स्ट इन सेगमेंट जैसे फीचर्स भी जो है हमें देखने को मिलेंगे। एंड पेंट स्कीम के बारे में बात करूँ तो ये हमें सेम ग्रे, ब्लैक एंड रेड पेंट स्कीम के साथ जिस तरह से हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिलता था उसी के जैसे हमें पेंट स्कीम देखने को मिलेगा। एंड इसके अंदर में कार्बन सिरामिक ब्रेक जो कि हमें फुल सिस्टम एग्जस्ट के साथ ही जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड जो बाइक है फ्रेंड ये हमें क्लिप ऑन हैंडल बार, फुल LED लाइटिंग, TFT डिस्प्ले जो कि हमें बॉल रीड आउट के साथ एंड इसके अंदर हमें ABS इससे और भी काफ़ी सारे फीचर्स जो है हमें देखने को मिलेंगे। पावर एंड ऑप्शन के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड इसके अंदर हमें 450cc का हमें पैरेलल ट्विन इंजन ऑप्शन ही जो है हमें देखने को मिलेगा जो कि हमें 50 BHP के पावर के साथ देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। फ्रेंड और भी अगर इसके बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है तो जल्दी मैं आप लिंक नया वीडियो लेके आऊँगा। एंड फ्रेंड इसी तरह से अगर आपको हमारे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हो तो फ्रेंड हमें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर मोटी वीडियोज़ की अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिले। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।